बाबूजी आपकी मिल में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे से जबरदस्ती करें। निकल जाने दीजिए, फिर देखिए कैसे खर्चा पानी पैदा करता हूँ। और उसके साथ साथ ये भी हिसाब लगा सके कि उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं और कितने नहीं, ताकि कल को अगर एक पैसा भी इधर से उधर हो जाए तो वो लोग फिर से हड़ताल कर दें। क्यों? चलिए ऐसा ही समझ लीजिए। अरे यार, हमारी जान जल्दी से छुड़ा दे, हम घुटने लगा अंदर, जी ज्यादा खुदकुशी कर ले। क्या बनाया है बेटी? जो भी बनाया चुपचाप खा लो। क्या बात है? मैं दो दिन बाहर क्या रह आई, तो कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। सच सच बता, क्या मैं तुझे अब पराई लगने लगी हूँ, या मेरा तुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा की याद आ रही है क्या? या माँ की याद आ रही है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या हो गया बेटा? अरे बिल के साथ साथ मुझे घर की चिंता भी खाए जा रही है। घर पे जवान बेटी है और मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे छोटे सरकार, हमें जल्दी से यहाँ से निकालिए। सच कहता हूँ, मैंने आपका नमक खाया गुड़ नहीं। मुनीम जी, मैंने कहा ना कि आप लोगों के अभी रिहा होने के चांस तकरीबन बनते जा रहे हैं। अरे आपको क्या मालूम, मैं आपको छुड़ाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहा हूँ। और मुझे तो लगता है कि दो एक पेशे में तुम्हारी जान छूट जाएगी। अरे यार, हमारी जान जल्दी से छुड़ा दे, हम घुटने लगा अंदर, जी ज्यादा खुदकुशी कर ले। नई शक्ति ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं हूं ना। अरे काहे कहूं, चल दिया है तो। अरे जाने दे जाने दे, कल फिर आएगा। कृष्णा, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो, वेरी गुड। मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में गांव की सब औरतों को तुम पढ़ाना शुरू कर दोगी। अब पढ़ाओ भी क्यों नहीं भाई, तुम बहन किसकी हो? राजा तो की। राजा जो खुद इतना होशियार है, उसका मुकाबला इस दुनिया में तो कोई नहीं कर सकता। आगे क्या कहूँ? सच दीदी, इतना होशियार लगता है आपको मेरा भाई? हाँ कृष्णा, वो होशियार तो है ही ना, उसकी लियाकत पर तो सारी दुनिया फिदा है। और तू? इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, राजा को तो मैं बहुत मानती हूँ। मानती ही हो या फिर कोई चक्कर? अगली, तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया कर, मुझे बहुत अरे कृष्णा, तूने दूध रखा था ना, जा वो उबल गया होगा, जा, मुझे क्या देख रही है। अंजना बेबी, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ सनी, घर पर तो कोई भी नहीं है। रंजना और तुम्हारे डैडी तुम्हारे चाचा मक्खनलाल जी की मिल की ओपनिंग पर गए, मेरे ख्याल से खाना वाना भी खाकर ही आएंगे। सनी, रंजना कह रही थी तुम्हारे चाचा किशोर का बेटा अमेरिका से बहुत अच्छी तालीम हासिल करके वापस आया है। उन्होंने भी सेम तुम्हारे जैसे कपड़ों की मिल की फैक्ट्री खोली है। राले, तुम तो मुझे सुधारने की बात करती हो, ब्रो मैं आ गया सुधरने के लिए और अकेला हूँ। राले, राले आओ ना, मुझे सुधारो ना प्लीज। देखो सनी, आगे मत बढ़ना, तुम अभी होश में नहीं हो, तुम जाओ अभी, मुझसे सुबह बात कर लो। बहन की सहेली हो? बहन तो नहीं हो ना। अगर
समझो तो तुम्हारी बहन भी हो सकती हूँ। ना 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 ना, मेरी एक ही बहन है, मुझे दूसरी नहीं चाहिए। मेरी एक ही बहन है और काफी है। तुम्हारी शरारत बरसाती हुई आंखें वासना का खेल खेलना चाहती है, मगर मैं मरती मर जाऊंगी, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जाओ यहां से। तुम मेरे बगैर बोल नहीं हो ना। दरअसल इसने ही मुझे अपने कमरे में बुलाया था। अच्छा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कितना बड़ा शरीफ है। ये बोल तुझे बदतमीज, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ, इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा। तेरी अगर सारी पोल पट्टी ना खोल दी ना, तो मेरा नाम भी चल जाए। अरे चाचा, तू मेरी क्या पोल खोलेगा? फिलहाल तो तेरी खुद की पोल खोल चुकी है। How are you, राजा? अरे वाह चाची वाह, क्या बात है। अरे तुम तो हिंदी के साथ अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। गुड मॉर्निंग राजा भैया। अरे वाह बीना, तुम तो काफी होशियार हो गई हो। How are you, राजा बेटा? कलू चाचा, आप सब लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। What is the time, राजा? Oh, it's 7:30, छोटू चाचा। लगता है हमारे गांव वाले पढ़ाई लिखाई में बहुत तरक्की कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात। अरे बेटा, कईयों ने तो अपने हाथ से खत लिख कर गाँव में भेजना शुरू कर दिया है। तुम्हारी बहन कृष्णा और भवानी तो दिन में औरतों को पढ़ाने लगी है। हाँ, और कई औरतों ने अपने बच्चों को होमवर्क कराना शुरू कर दिया है। हाँ। अच्छा चाचा। हाँ? भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। अब देखिए ड्यूटी का टाइम हो रहा है, हमें अपनी तरफ से हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। चलें। यस, गो फास्ट। यस, वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। सनी ने जो आज हरकत अंजना के साथ की है, वो कल किसी के साथ भी कर सकता है, मेरे साथ भी कर सकता है। ऐसे इंसान को तो सोसाइटी से निकाल देना चाहिए। और अगर मेरी मम्मी को इसके बारे में पता चला ना, वो तो उस पे केस कर देंगे। अरे बाप का इकलौता बेटा है तो क्या किसी के साथ कुछ भी करेगा? आज महिलाएं बराबर का हक रखती हैं। वो तो किसी तरह मैंने अपना बचाव किया, भाग निकले, वरना भगवान जाने उस दिन क्या होता। मैं तो हैरान हूँ कि तू अभी वहां है कैसे। अगर मेरी मम्मी जैसी कोई औरत होती ना, तो कब की वहां से निकल गई होती। यही मैं खुद सोच रही हूँ कि क्या करूं, इसे किसके पास रखूं। मेरा तो यहां से मन ही उठ गया है, इसलिए मैं अपने शहर वापस चली जाऊं। वाह वाह, बहुत अच्छा सोचती है तू। और ये जो साक्षरता मिशन हमने शुरू किया है, उसका क्या होगा? हम किसी भी ऐरे गहरे नथू खैरे की वजह से अपना मिशन छोड़ देंगे और हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो प्लीज फिक्र मत कर, मैं तेरा कहीं और रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। और बंदोबस्त की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। अरे इतना बड़ा घर है हमारा, कहीं मेरे साथ नहीं रह सकते? अच्छा, ये मेरे साथ रहेगी और सेफ रहेगी। You are sure? Sure. अच्छा।
राजा। रंजना तुम? राजा तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? अच्छा बस यार आज थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं से जल्दी छुट्टी लेकर घर जा रहा हूँ। क्या तबीयत खराब हो गई? तुम्हें तो बुखार है। अच्छा चलो बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं जरा सी हरारत है, मैं चला जाऊंगा, ये करीब में है घर मेरा। राजा बातें ना बनाओ, चलो बैठो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आओ राजा, आज तुम जल्दी आ गए, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ राजा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो छुट्टी करके जल्दी आ गया। अरे तुम्हें तो बुखार है, आप भी आइए ना। नो इट्स ऑल राइट, वैसे भी मैं रात को तो आ ही रही हूँ। आओ राजा। थैंक यू राजा। हाय सनी। अरे यार अच्छा तुझे मिल गया, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा था। अच्छा हुआ जो मैं भी पैदल आ गया, जो कुछ देखना था वो भी देख लिया। क्या देखा मतलब? तुम्हारे घर की इज्जत का सवाल है सनी, इसलिए जो कुछ मैं बताऊं उस बात को ध्यान से सुनना। तुम बोलना क्या चाहते हो, साफ से बोलो ना यार। तुम जानते हो उस वक्त कि राजा कहाँ है? हाँ उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए वो छुट्टी करके चला गया। कहाँ चला गया? घर और कहाँ, यही तुम्हारी भूल है सनी, यही। अरे तुम साफ साफ बोलो यार, पहेलियां मत बुझा, तुम बोलना क्या चाहते हो? सनी तुम्हारे पास दौलत है, समाज में इज्जत है, लोग डरते हैं इसलिए मुंह पर कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ इसलिए सच बात कहने से नहीं डरता। तुम्हें धोखा दिया जा रहा सनी, धोखा। कैसा धोखा, कौन दे रहा हमें धोखा? सुनना चाहते हो सुनो, तुम्हारी बहन रंजना। क्या हुआ रंजना को? आज मैंने उसे अपनी इन्हीं आंखों से राजा के साथ गाड़ी में जाते देखा। क्या बकते हो तुम, कहां गई थी उसकी गाड़ी? जल्दी बोलो कहां गई थी उसकी गाड़ी, मैं उसे चार से मार डालूंगा। जान से मारने के लिए तो मैं ही कहूँ, हम सिर्फ अपनी बहन। अब तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, समझी? रुक जा रंजना। क्या बात है? तुम कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? यारी मैं से चांस मार दूंगा। घर में क्या हो रहा है? अरे मैंने सिर्फ इसे इतना पूछा कि ये इतनी देर रात में किस घर में जा रही है और ये मेरे से पत्ता भी नहीं कर रही है। आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा, फिर ये कौन होता है मुझसे कुछ नहीं पूछने वाला? सिर्फ यही वजह है, यही वजह कि तुम इतनी आवारा हो गई हो, क्योंकि आज तक तुमसे किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो और किससे मिलने जा रही हो। लेकिन आज तुम्हें ये बताना होगा कि तुम कहाँ जा रही हो और किससे मिलने जा रही हो। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। लेकिन मैं तुमसे ये उगलवा कर रहूंगा कि तुम इतनी देर रात गए किससे मिलने जा रही हो। मैं जानता हूँ उसका नाम, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम उसका नाम ही सुनना चाहते हो तो सुनो, सुनो उसका नाम। उसका नाम है राजा, 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 राजा। चलिए आज की आपकी क्लास खत्म हुई और कल इसी वक्त मिलेंगे और जो होमवर्क आपको दिया है वो करके लाएंगे सब। ठीक है, चलिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ कल जो चाहो बिल्कुल इसी तरह से लिख के लाना।
गुड नाइट राजा भैया। अरे बबली कैसी हो तुम? मैं ठीक, आप कैसे हैं? और यार क्लास कैसी चल रही है? बस अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है। ओके भैया बाय। अरे बिल्कुल चाचा। एक बात तो है राजा, जितनी जल्दी हमारी कृष्णा पढ़ लिख कर औरों को पढ़ाने में सक्षम हुई है ना, उतनी जल्दी तो मैंने आज तक किसी को साक्षर होते नहीं देखा। भवानी, तुम कृष्णा की तारीफ नहीं करती रहोगी या रंजना के बारे में भी कुछ सोचोगी? हम सबको इकट्ठा करने वाली तो वही है। वो आज तक कभी गैर हाजिर नहीं हुई, लेकिन अब तक आई नहीं है। मुझे इस बात की चिंता खाई जा रही है। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है राजा, पता नहीं आज क्या हो गया है। मच गया ना मुनीम जी, हम आपके जेल से छुटकर आने का जश्न तो बाद में मनाएंगे, लेकिन पहले उस राजा की बर्बादी का जश्न मनाएंगे। उसने मेरी बहन पर नजर डाली है, मेरी बहन पर। मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये केस को अगर घर घर में घुस के नाम मारा तो मेरा नाम भी शक्ति नहीं। राजा का बाप नन्नू मुआवजा ले गया ना, अब मेरा भी कमाल देगा। राजा का ऐसा बाजा बजाऊंगा कि तनख्वाह लेना भी भूल जाएगा। बुरा मत मानना छोटे सरकार, मैंने आपका नमक खाया गुड़ नहीं। या? अरे कृष्णा, मंदिर भाई। मैं तो आ गई, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वो काम पे जा रहा हूँ। आपकी तबीयत खराब है भैया, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। पता है, लेकिन मिल में बहुत काम बाकी है, अगर नहीं जाऊंगा तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन भैया आप ऐसी हालत में? मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन माँ को मत बताना कि मैं काम पे गया हूँ। पूछेगी तो बोलना डॉक्टर के पास गए। लीजिए भैया, पहले प्रसाद ले लीजिए। अपना ख्याल रखना भैया। को थोड़ा सा सबक सिखाया है मैंने। अगर एक एक को घर घर में घुस के नाम मारा तो मेरा नाम भी शक्ति नहीं। अभी बकवास बंद कर, अभी ये सोच कि डैडी को बुद्धू बना के उनसे माल कैसे निकालना है। मैं ये सोचना तो अपने मुनीम जी का काम है। क्यों मुनीम जी? भाई हम तो आज तक इन्हीं से माल लेते रहे। अरे मैंने आपका नमक खाया छोटे सरकार, गुड़ नहीं। चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे, चिंता क्यों करते हो? मजदूरों की कमाई से माल निकालना मेरा काम है, और सेठ जी को हिसाब बनाकर दिखाना भी मेरा काम है। मगर हाँ, एक बात का ख्याल रखना होगा, राजा की पिटाई वाली बात अगर किसी को खबर लग गई तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। कम से कम उनका नाम बताओ राजा, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा ना रंजना, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी थी, वार अचानक हुआ। और अच्छे भी दुखलाफ में याद है, मैं किसी का नाम नहीं बता सकता। अगर तुमने उनकी शक्ल देखी होती ना तो मम्मी से कहती उन्हें फौरन जेल में भिजवा देती। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों के टुकड़े कर देने चाहिए,
ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, बस हमारा बच्चा ठीक हो जाए, भगवान से मेरी यही दुआ है। मैं दोनों हाथ तो जोड़ नहीं सकता, लेकिन ऊपर वाले के शुक्र अदा करता हूँ, मेरे बेटे की जान बच गई। मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, मैं अब और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी तो यही राय है कि हम आज के बाद राजा को घर से बाहर ही ना भेजें। ठीक कहती हो दीदी, रोटी के लिए तो हम भी काम कर सकते हैं, लेकिन भैया से मेरा हमारे कोई नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? संजना और ये सब गांव वालों की होते हो, मेरा कुछ कुछ बिगाड़ सकते हो? कभी नहीं, अभी तो हमारे साक्षरता मिशन का आगाज हुआ है, अभी तो हमें इसे हमारे देश तक पहुंचाना है। साक्षरता मिशन हमारा है, लाना घर घर उजाला है। साक्षरता मिशन हमारा है, कहाँ गई थी? राजा से मिलने। लेकिन क्यों? राजा को किसने बहुत ही बेरहमी से मारा है। अच्छा, तुम्हारा क्या लगता है वो? हाँ, जवाब तो रचना, क्या लगता है तुम्हारा? देखा डैडी, अब तो सब कुछ साफ हो गया है। ये इस घर की सगो शान सगो को मिट्टी में मिलाकर उस चोट चके के राजा की चूटी की शान बनना चाहती है। डैडी, इससे कह दीजिए मेरे और राजा के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत। शट अप रंजना, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बेशरम हो चुकी हो। जो औलाद अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना रखे उसको तो ना ही होना अच्छा है। लेकिन आज से या तो तुम्हें उस राजा के घर में जाकर रहना होगा या फिर हमारे घर में, नहीं तो समझ लो कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ना तो मैं तुम्हारे इस घर में रहूंगी और ना ही राजा। अरे मैं थूकती हूँ ऐसे घर पर, इंसान की कदर ना करता हूँ। आप लोगों ने मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचाई है, मैं जा रही हूँ डैडी, आपको छोड़कर, आपके इस घर को छोड़कर। आपकी बेटी होने की मेरा आपको आखिरी प्रणाम। सुनो, गाड़ी लेके मैं जाना। लेकर जाऊंगी तुम्हारी गाड़ी, ये रही तुम्हारी चाबी। हेलो राजा। हेलो रंजना, कैसे हो? नमस्ते गीता। ये मुनीम चंदा की बेटी है, अभी अभी आई है, मुझसे कुछ कहना चाहती है। बोलो बबली, क्या कहना चाहती हो? जी, राजा भैया को जिसने मारा है ना, मुझे उसका नाम पता है। क्या? कौन है वो? उसका नाम सनी है। सनी? हाँ सनी, सेठ करोड़ी मल का बेटा सनी। अगर बबली की बात सच है तो मैं अपने भाई के करतूत पर तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ राजा। मैं बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर। राजा, शायद तुम्हें पता नहीं, इसके डैडी और भाई सनी ने
कल रात उस पर तरह तरह की तोहमतें लगा के घर से बाहर निकाल दिया। आधी रात को ये मेरे घर आई। सॉरी रंजना। रंजना का दुख तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी राजा, लेकिन धोखे से जो उन्होंने तुम्हारे परिवार किया है उसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो सनी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी और उसे जेल भिजवाऊंगी। गीता जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। इससे सनी को सजा तो मिल जाएगी, लेकिन मिल बंद होने से जो तकलीफ मजदूरों को होगी, इस बात का अंदाजा आपको नहीं, क्योंकि इतना सुनते ही मजदूर मिल में हड़ताल करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हड़ताल हो। हड़ताल चाहे किसी भी उद्योग की क्यों ना हो, नुकसान तो राष्ट्र का ही होता है ना। देवता अगर इस धरती पर है तो वो तुम हो राजा। इतना दुख सहकर भी दुख देने वाले को माफ कर देना, ये किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है। तू ठीक कहती है बेटी, हमें किसी की रिपोर्ट नहीं करनी, हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमें तो बस भगवान पर भरोसा है, वो चाहे जिसे सजा दे। ठीक है, अगर आप सब लोगों का यही विचार है तो मैं आपके साथ हूँ। परंतु बहन लवली, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मुझे ये सच्चाई बताई। मैं हूँ बदनसीब रंजना, जिसका भाई सनी है। तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मेरे पास निसंकोच चली आना। मैं अपना गम तुमसे बताऊंगी, किसे बताऊंगी मैं दीदी, किसे बताऊंगी।